जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी को खुशखबरी मिल चुकी होगी कि आज आप सभी के जो वर्षों से आप सभी का इंतज़ार था वो आज पूरा होने जा रहा है साथियों, क्योंकि आज है जो राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी के फोरम हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। ये आप सभी को सूचना मिल चुकी होगी। अब आप पूछ रहे हो कि सर फोरम तो स्टार्ट हो चुके, लेकिन हम फोरम कहाँ से लगाएं ताकि हमारा सिलेक्शन भी हो सके, क्योंकि फोरम स्टार्ट होने से कुछ नहीं होगा, हमारा सिलेक्शन भी ज़रूरी है सर। इसके बारे में चर्चा करेंगे साथियों कि आपको फॉर्म है वो कहाँ से भरना है। मैं आपको एक अंदाज़ा बताऊंगा कि आपको कहाँ से भरना चाहिए, भरोगे या नहीं भरोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मैं आपको एक अंदाज़ा बता सकता हूँ कि कहाँ से आपको भरना चाहिए, कहाँ से नहीं भरना चाहिए, कहाँ से कंपटीशन ज़्यादा हो सकता है, कहाँ से नहीं हो सकता। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि फॉर्म भरने से पहले सीटें आपको कैसे देखनी है, कि ये सीटें हैं ये देखने से ही पार नहीं पड़ेगी, आपको सीटें है डिटेल में कैसे देखनी है उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर साथियों इसके अंदर जो पोस्ट है, पोस्ट आप सभी को पता चल गया होगा कि यहाँ पर 13,184 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। योग्यता क्या रखी गई है, अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित क्या जानकारी आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आवेदन तिथि है वो कितनी होने वाली है, कहाँ तक होने वाली है, आयु सीमा है, आयु सीमा किस प्रकार से रहने वाली है, इन सभी विषयों के बारे में आज इस वीडियो सेशन के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि साथियों प्यार बनाकर रखा है आप सभी ने, उसी को नतीजा आप सभी को कल मिल गया होगा, उसी का नतीजा आप सभी को कल मिल गया होगा जिसने भी कल की वीडियो देखी है ना ऑफर वाली, क्योंकि वहाँ पर साथियों जो आपका 899 रुपये का जो कोर्स था वो बिल्कुल निःशुल्क दे दिया गया है आपको। किस किस को दिया गया है, किस किस को नहीं दिया गया वो आप पीछे वाली जो वीडियो है उसके अंदर विस्तार से देख सकते हो, जिसने नहीं देखी उसको। 25 तारीख तक ऑफर है ये, इसके बाद में ऑफर नहीं रहेगा, जिसकी लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे रखी है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पर साथी जो विस्तार से अपन चर्चा कर लेते हैं इस सेशन के अंदर, जिसकी अपन चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हैं, योग्यता का कोई मैटर इसके अंदर नहीं है कि आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, 10वीं पास होने चाहिए, 8वीं पास होने चाहिए, कोई इसके अंदर मैटर नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हो। और आप सभी को मैं बता दूँ, वो तो कान खोल कर सुन लेना जिसने बैच खरीद रखा है, जिसने कोर्स खरीद रखा है ऐप के ऊपर अपने सार्थक क्लासेस पावटा के नाम से अपना ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर, जिसने खरीद रखा है ना वो जल्दीबाजी ना करे। जो साथी यूट्यूब के ऊपर जुड़े हुए हैं, जो मेरी बात को मानते हैं, उनको भी जल्दीबाजी नहीं करना है, लेकिन जिसने बैच खरीद रखा है ना उनको जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, 1% भी बक्सा नहीं जाएगा आप सभी को, ये ध्यान रखना आपको। क्योंकि यहाँ पर साथियों आज आपके फॉरम स्टार्ट हो रहे हैं, आज ही आपने फॉरम लगा दिया, फिर बाद में गलती हो जाती है, फिर आप किससे कॉल करोगे, मेरे को कॉल करोगे कि सर मेरी तो ये गलती हो गई। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। 19 जुलाई है लास्ट डेट, आराम से भर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2-3 वीडियो जो भी अब आगे आएगी ना वीडियो, वो एक एक बात आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, फोरम से संबंधित है, क्योंकि आप सभी फोरम लगा रहे हो, क्या क्या आपको बात ध्यान में रखनी है, इन 2-4 बातों से ही आपका फोरम है बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ये तो आपको सीटों से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ मैं, आपको कहाँ पर लगाना चाहिए फॉरम यही जानकारी है, ये ध्यान रखिएगा आप सभी, तो ध्यान रखना। अब यहाँ पर जो योग्यता के बारे में मैंने बता दिया है आपको, अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में, अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में मैं बता देता हूँ आपको, 1 साल का, कम से कम 1 वर्ष। कुछ साथी बोल रहे थे कि सर हमारे तो 2 साल का है, हमारे पास 5 साल का है, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 1 साल का होना चाहिए, ज़्यादा चाहिए आपसे 20 साल का हो, आपके पास 30 साल का हो, इतना तो नहीं होता, लेकिन 5-6 साल कितना का भी हो चलेगा आराम से, कम से कम 1 साल का होना चाहिए। यहाँ पर अगर 11 महीने का भी हो ना, 11.5 महीने का भी हो, वो भी नहीं चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चाहिएगा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अनुभव प्रमाण पत्र आपको वो बनवाना है जो नगरीय निकाय का हो, सबसे बेस्ट वो रहेगा जो नगरीय निकाय का हो, क्योंकि जो नगरपालिका का जो कानून है, मैं आपको बता देता हूँ, जो नगरपालिका जो कानून है साथियों, उसके पॉइंट में लिख रखा है, लगभग यहाँ पर 13 या 14 पॉइंट के अंदर लिख रखा है, अभी इतना कन्फर्म पता नहीं है, लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर विस्तार से बता रखा है, उसकी PDF भी वहाँ पर आपको उपलब्ध करवा रखी है, जिसने बैच ले रखा है तो वहाँ पर मैंने डाल रखा है, आप पढ़ लेना आराम से। 13-14 पॉइंट के अंदर है यहाँ पर कि पहले प्राथमिकता उनको दी जाएगी अनुभव प्रमाण पत्र के अंदर जिनका नगरीय निकाय से होगा,
अब नगरीय निकाय क्या होता है? नगरीय निकाय के अंदर जैसे जितनी भी आ गई, नगर पालिका हो गई, नगर परिषद हो गई, नगर निगम हो गई, जहाँ पर सफाई कर्मचारी का बेस्ट काम होता है, यानी कि एक सफाई कर्मचारी सफाई से संबंधित काम ही नगर पालिका के अंदर करता है, तो नगरीय निकाय का होगा जिसके पास, उनको प्रथम प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। साथ ही अब इसके अंदर कुछ विवाद चल रहा है, अभी जो राकेश मीणा जी हैं उन्होंने ज्ञापन दिया है डीएलबी निदेशक को, उन्होंने ये बोला है ज्ञापन के अंदर कि सर इसके अंदर सभी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और सभी के फॉर्म है यहाँ पर एक्सेप्ट होने चाहिए। पर कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने होटल से किया है काम या और कहीं से किया है, ढाबा से किया है, तो सभी को इसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए, उन्होंने ज्ञापन के अंदर ये बोला है। अब देखो उनके अंदर क्या सुनवाई होती है, क्या सुनवाई नहीं होती है, क्या रिप्लाई आता है, क्या नहीं आता है, वो आपको अपने चैनल के ऊपर तुरंत मिलता रहेगा। क्योंकि साथियों ये जो रिप्लाई है, अब कुछ साथी बोल रहे थे कि सर 20 तारीख से पहले पहले आना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ये जो रिप्लाई है 19 जुलाई है इसकी लास्ट डेट है साथियों, 19 जुलाई है इसकी लास्ट डेट है, तो 19 जुलाई से पहले पहले इसका रिप्लाई है आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जिसके पास अगर नगरीय निकाय का है ना फॉर ये जो डिप्लोमा जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है साथियों सॉरी, तो वो तो फॉर्म भर दे, लेकिन अभी वेट करें 4 से 5 दिन का, क्योंकि 4 से 5 दिन के अंदर मैं सारी वीडियो आज भी डाल सकता हूँ, लेकिन साथियों इतना थोड़ा देखो टाइम की प्रॉब्लम है और थोड़ी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी 2-3 दिन से, वीडियो नहीं डाल पाया, आप सभी को पता है। तो कल की जो वीडियो थी उसके अंदर भी थोड़ा इतना ही एनर्जी नहीं थी, आप सभी को पता है, आप सभी वीडियो देख सकते हो ना। अब यहाँ पर जो बात आती है कि एक साल का हो गया ये तो नगरीय निकाय वगैरह का, ये आप बनवा लीजिएगा, बेस्ट वही रहेगा। इसके बाद में जो बात आती है आवेदन तिथि की, तो यहाँ पर साथियों 20 जून से है इसके फॉर्म है स्टार्ट हो चुके हैं और 19 जुलाई तक इसके फॉर्म है वो भरे जाएंगे, 19 जुलाई रात के 11:59 तक ये फॉर्म है वो भरे जाएंगे। इसके बाद में डेट है वो बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती, लेकिन 1 महीने का टाइम है आपके पास में, वो आप भर सकते हो फॉर्म, लेकिन अभी आपको 4-5 दिन का वेट करना है, खास करके मेरे जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं चैनल से उनको ये ध्यान रखना है। और साथ ही जितने भी ये जो पोस्ट से संबंधित आपको मैं जानकारी दूंगा ना, ये जानकारी लगभग आप कितने कैंडिडेट देखोगे इस वीडियो को, 5 से 10 हज़ार इतने ही लोग देखोगे इस वीडियो को, तो यहाँ पर साथियों ज़्यादा कुछ, क्योंकि 1-2 लाख देख लेना वीडियो को तो उससे सभी को पता चल जाता है, फिर वो इसी प्रकार से फॉर्म है वो भरते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 5 से 10 हज़ार देखोगे इस वीडियो को, ज़्यादा कुछ मैटर है वो नहीं होने वाला, और आपको इस तरह से जिस तरह से मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान में रखना है बात को। आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष रखी गई है, 18 से 40 वर्ष कब होनी चाहिए, तो 1 जनवरी 2024 को आपकी 18 से 40 वर्ष, 18 से ज़्यादा हो जानी चाहिए और 40 से कम होनी चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। जो आरक्षित वर्ग हैं उनके जो पुरुष हैं, यानी कि आरक्षित वर्ग का मतलब हो गया जिनको आरक्षण दे रखा है जिन कैटेगरियों को, तो उनके अगर पुरुष हैं तो उनको यहाँ पर 5 साल की छूट दे रखी है, यानी कि उनकी आयु यहाँ पर चलने वाली है 18 से 45 वर्ष, 5 साल इसके अंदर और ऐड कर लीजिएगा। आरक्षित वर्ग की जो महिला कैंडिडेट है उनको यहाँ पर छूट दे रखी है, वो दे रखी है 18 से 50 वर्ष, ये यहाँ पर छूट दे रखी है साथी। इसके बाद में जो बात आती है जो अनारक्षित वर्ग है, अनारक्षित वर्ग की जो महिला कैंडिडेट है, कि पुरुषों को तो कोई छूट नहीं दे रखी है, लेकिन जो अनारक्षित वर्ग है उनकी जो महिला कैंडिडेट है उनको यहाँ पर छूट दे रखी है 5 साल की, यानी कि वो फॉर्म भर सकती है 18 से 45 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है साथी। अब इसके बाद में जो बात आ जाती है, इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट बात तो अभी ही आएगी, जो इम्पोर्टेंट बात है वो अब आएगी कि आपको फॉर्म है वो कहाँ से भरना चाहिए, कौन सा आपको किस तरह से आपको ध्यान रखना है सीटों के ऊपर कि कंपटीशन कम रहे। तो इससे पहले मैं देखो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो अपना बैच चल रहा है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि कुछ साथी यहाँ पर बोल रहे थे कि सर इंटरव्यू की तैयारी कहाँ से करें हम, क्योंकि जो ट्रेड से संबंधित है, बट ट्रेड हो गया तो ट्रेड के अंदर तो देखो बेरोजगारी इतनी है ना, पर किसी नाले के अंदर कूदा रहे हैं मान लीजिए आप, तो बेरोजगारी इतनी हो चुकी कि 95% लोग तो ऐसे हैं जो गंदा नाला कैसा भी नाला हो नौकरी लगने के लिए नाले के अंदर कूद जाएंगे,
ये आपको ध्यान रखना है। सफाई भी वहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत पोजीशन वगैरह देखी जाएगी। पोजीशन है, पोजीशन के बारे में अपना ऐप है ना, उसके ऊपर आपको वीडियो उपलब्ध करवाई जाएगी। आपको इसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जिसने बैच ज्वाइन कर रखा है ना, उसको किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको जिस तरह से वहाँ पर जो भी मैटर वहाँ पर डाला जाए उसको याद कर लेना आप, बस ये ध्यान रखना आपको। क्योंकि आपका ये लक्ष्य होना चाहिए इस स्टूडियो के अंदर आकर के, यहाँ पर इस कैमरे के सामने आपकी फ़ोटो आनी चाहिए। जो आप मेरे को देख रहे हो, एक दिन आपको भी ऐसे कैंडिडेट हैं वो देखे जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ये आपको लक्ष्य रखना है। अब यहाँ पर जो बात आती है, नेक्स्ट बात आती है इंटरव्यू संबंधित, क्योंकि यहाँ पर लगभग आपको मैं बता दूँ 20 लाख प्लस स्टूडेंट यहाँ पर इसके अंदर फॉर्म भरने वाले हैं। आप कुछ बोलेंगे सर आपको पता कैसे चल गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ। 13,000 पोस्ट हैं, 13,184 पोस्ट हैं। अब यहाँ पर इसके अंदर ना तो कुछ योग्यता दे रखी, 20 लाख भी कमी बता रहा हूँ आपको मैं। जब आपके फॉर्म भरे जाएंगे ना, उस टाइम आप देखना, लास्ट में 19 जो जुलाई आएगी तब आपको और बता दूंगा मैं कि कितने आपके फॉर्म भरे गए, कितना आपका कंपटीशन रहने वाला है। तो आपको देखो, जो कैंडिडेट पहले से कंपटीशन दे रहे हैं ना, उनको तो पता है कि 20 लाख तो नॉर्मल है, इतने तो भर देंगे। लेकिन जो नए कैंडिडेट हैं ना, उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, वो सोचते हैं कि यार इतने फॉर्म तो नहीं भरे जाएंगे। एक बात बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर लगभग 600 पोस्ट आई थी फायरमैन की, इसी नगर पालिका के अंदर जो डिपार्टमेंट आपकी भर्ती करवा रहा है, इसी के अंदर आपकी फायरमैन की पोस्ट आई थी। ओनली आई थी 600 पदों के अंदर, जिसकी डिप्लोमा प्लस में जो यहाँ पर और मांग रखा था 10वीं पास। डिप्लोमा कितने में बनता है? लगभग 35,000 से 40,000 के अंदर, 35,000 से 40,000 के अंदर। तो हर किसी की तो बस की बात होती नहीं है कि ये डिप्लोमा बनवा ले। तब भी इसके अंदर फॉर्म कितने भरे गए? 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास इसके अंदर है फॉर्म भरे गए। ये ओनली थी 600 पदों के अंदर भर्ती। अब इसके अंदर इतने फॉर्म भरे जा सकते हैं, अगर ये भर्ती है तो इसके अंदर डिप्लोमा अगर उठा देते तो पता नहीं कितने लाख फॉर्म भर जाते। तो आप इसके अनुसार अंदाज़ा लगा सकते हो कहाँ पर 600 पोस्ट और कहाँ पर 13,184। 20 लाख तो बिल्कुल मामूली आपको बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर अगर छटनी करेंगे तो आपकी छटनी कहाँ पर करेंगे? छटनी यहाँ पर होगी इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यू के अंदर होगी। तो इंटरव्यू के अंदर आपको आने भी चाहिए, इसके अंदर इसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए आपको। इसके लिए अपने ऐप के ऊपर आपको जो ओल्ड क्वेश्चन है जो पिछली एग्जामों के अंदर आए हुए हैं, क्योंकि जो राजस्थान के अंदर तो पहली बार लग रहा है ऐसा इंटरव्यू संबंधित एग्जाम वगैरह, लेकिन जो अदर स्टेट के अंदर और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी के अंदर, क्योंकि सफाई कर्मचारी के अंदर तो वही रहेगा मैटर। और पीला डस्टबिन है तो पीला डस्टबिन ही रहेगा, नीला डस्टबिन है तो नीला डस्टबिन ही रहेगा। उनका जो कोड है IS, जो राष्ट्रीय कोड है, अंतर्राष्ट्रीय कोड है, तो वो कोड तो वही रहेंगे, उनको तो कोई चेंज करने से रहा। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी रहे, फिर स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी रही। ऐसे आपको यहाँ पर यह है ध्यान रखना है साथी, ये आपको वहाँ पर उपलब्ध करवाया जाएगा, ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है, ये ध्यान रखना आपको। यहाँ पर जो बात आती है, तीसरी आती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर आप सभी को मैं बता दूँ, यहाँ पर लगभग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर जो छाटा जाता है, दो गुना विद्यार्थियों को ही इसके अंदर छाटा जाता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो 13,000 की भर्ती आई हुई है, तो लगभग यहाँ पर 26,000 से 27,000 मान लीजिए आप, 26,000 से 27,000 के मध्य इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए छाटा जाएगा। अब इसके अंदर दो गुना के अंदर अनुभव प्रमाण पत्र को चेक किया जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। इंटरव्यू के अंदर भी चेक किया जाएगा भाई, यहाँ पर अगर देखो बिल्कुल ही फर्जी है ना, तो इंटरव्यू के अंदर ही उनको निकाल देंगे। लेकिन क्योंकि फर्जी का इतना पता भी नहीं चलता, क्योंकि तो अगला बंदा पैसे दे रहा है तो फर्जी का पता भी नहीं चलता। तो अनुभव प्रमाण पत्र की बिल्कुल विस्तार से जांच है ना, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर यानी कि DV के अंदर होनी वाली है आप सभी के लिए। तीसरा चरण होगा उसके अंदर, यहाँ पर ओनली दो गुना विद्यार्थी ही रहेंगे, ज़्यादा विद्यार्थी नहीं रहने वाले, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दो गुना का ही होता है। इसके बाद में जो मेडिकल वगैरह होता है, तो मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल होता है, ऐसी जो वैकेंसी होती है तो उसके अंदर जैसे डिपार्टमेंट ऐसे होता है कि भाई कुछ ज़्यादा बड़ी बीमारी तो नहीं है,
तो जो मेडिकल वगैरह है तो वो स्टूडेंट से ही मंगवा लेता है, विद्यार्थी होता है उससे मंगवा लेता है कि आप अपने कोई भी नज़दीकी जो हॉस्पिटल है उससे मेडिकल बनवा करके लाइएगा, साथ ही पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह है वो लास्ट की बात है। इसके बाद जो बात आती है कि फॉर्म है वो आपको कहाँ से भरना है, ये तो अपन ने बात छोड़ी दी, ये ध्यान रखना साथ। जयपुर ग्रेटर सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर है, तो क्या सर हम यहाँ पर भरे, वो मैं बताऊँगा आपको। यानी कि जो 200 से ज़्यादा पोस्ट है ना वो यहाँ पर इनके अंदर है। जोधपुर दक्षिण के अंदर 389 पोस्ट है, उदयपुर के अंदर 407 पोस्ट है, धौलपुर के अंदर 251 पोस्ट है, गंगापुर सिटी हो गई तो गंगापुर सिटी के अंदर 315 पोस्ट है, और यहाँ पर जो डिंडौन हो गया डिंडौन सिटी तो यहाँ पर इनके अंदर पोस्ट है 307 पोस्ट। इसके बाद जो बात आती है अजमेर, तो अजमेर के अंदर पोस्ट है 328। जोधपुर उत्तर हो गया, इसके अंदर पोस्ट है 239। बिलाड़ा हो गया, तो बिलाड़ा के अंदर पोस्ट है 222 पोस्ट, सॉरी साथियों यहाँ पर पाली के अंदर पोस्ट है 296। आप पूछेंगे कि सर हम आपने ये तो बता दिया 200 से ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर है, तो सर हम फॉर्म कहाँ से भरे, तो साथियों आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्म है ना ये मान के आप चलिएगा 3670 पोस्ट है, तो सबसे ज़्यादा फॉर्म ही यहाँ पर भरे जाएंगे और कुछ ऊपर नीचे भी होगा ना वो भी यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा होगा। देखो इशारे के अंदर ही बताता हूँ, आप सभी समझ जाना है ना, जो भी मैं समझाना आपको चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक रिस्क का मामला हो जाएगा आपका, बाय चांस यहाँ पर ज़्यादा फॉर्म भर गए तो कट ऑफ यहाँ से ज़्यादा भी जा सकती है, यह आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर एक रिस्क का मामला है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे ये हो गया, मैं कुछ कैंडिडेट अगर भरना चाहें तो भर सकते हैं, तो आपको मध्य का आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ से ज़्यादा पोस्ट है वहाँ से भी ज़्यादा लोग भरेंगे, जहाँ से कम पोस्ट है तो वहाँ पर कुछ सोचेंगे कि यार भर देते हैं, और कहाँ जहाँ पर कम पोस्ट है कहीं भरे भी नहीं पोस्ट, वहाँ पर रिस्क का मामला हो जाएगा। जहाँ पर जैसे मान लीजिए 10 पोस्ट हैं तो 10 पोस्ट के अंदर कुछ कैंडिडेट ऐसे सोचें यार नहीं भरेंगे यार रिस्क का मामला है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 10 पोस्ट भी खाली रह जाएं, और यहाँ पर क्या सोचें कि यार भर देते हैं यार 10 पोस्ट हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा फॉर्म भी भरे जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको मध्य के अंदर भरना है। अब मध्य के अंदर भी क्या देखना है आपको, मध्य के अंदर भी आपको ये देखना है कि हम OBC के अंदर आते हैं, SC के अंदर आते हैं, ST के अंदर आते हैं, या फिर बाद में EWS के अंदर आते हैं, या फिर और किसी कैटेगरी के अंदर हम आते हैं। तो सर हमारी जैसे यहाँ पर हो गई 307 पोस्ट हो गई, तो सर हम यहाँ से भर दें क्या? आपको इसके अंदर भरने से पहले आपको ये और ध्यान रखना है, पहले तो आपको ऐसे छाट लेना है, आपको ये चीज़ छाट लेनी है कि हमारे को यहाँ यहाँ से फॉर्म लगाना चाहिए। इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि हम जैसे SC कैंडिडेट हैं, तो SC कैंडिडेट की यहाँ से भाई युद्ध निकाय है भाई अजमेर निकाय हो गया, तो अजमेर निकाय के अंदर 328 पोस्ट है, तो ये तो टोटल पोस्ट है, हमारी SC की कहाँ पर ज़्यादा पोस्ट है ये आपको ध्यान रखना है। अब ज़्यादा पोस्ट देखने के लिए ये जो PDF है इसकी जो सारणी है भाई कहाँ से कितनी पोस्ट है, SC की कितनी है, AWS की कितनी है, OBC की, ST की कितनी, क्या है, MBC कितनी है, तो सभी की PDF वगैरह है, आपको अपने जो WhatsApp ग्रुप है WhatsApp ग्रुप के अंदर मैंने आपको वहाँ पर उपलब्ध करवा रखा है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। जिसने बैच ले रखा है तो बैच के अंदर मैं वहाँ पर आपको उपलब्ध करवा दूँगा, आज शाम तक आपको, शाम से पहले पहले मैं वहाँ पर आपको उपलब्ध करवा दूँगा। तो साथियों यहाँ पर जो ये इन्फॉर्मेशन थी, अब इससे संबंधित अब फॉर्म भरने से पहले सीटें कैसे देखें ये मैंने आपको बता दिया है, उस PDF के अंदर आपको देखना है कि कहाँ से SC की कितनी ज़्यादा पोस्ट है। आपको ये ध्यान नहीं रखना है, जैसे अब यहाँ पर देख लीजिएगा 251 पोस्ट हो गई, और यहाँ पर कितनी हो गई 407 पोस्ट हो गई, यहाँ पर तो आधा आधा हो गया ना। लेकिन साथियों यहाँ पर जैसे SC कैंडिडेट हो गए और यहाँ पर SC कैंडिडेट हो गए, तो साथियों यहाँ पर आपको चेक करना है, कभी कभी तो ऐसा भी आ जाता है मोड कि यहाँ पर 251 के अंदर SC की पोस्ट ज़्यादा है, यहाँ पर SC की पोस्ट कम है, तो ये आपको चेक करके भरना है। वैसे देखो ऐसा कभी मोड आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको चेक करके बिल्कुल देखो 5 से 10 दिन लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म है आपको बिल्कुल विस्तार से भरना है, बिल्कुल विस्तार से चेक करके भरना है,
आप अभी क्या करना है, आज आपको इन सीटों को बैठ करके एक कॉपी के अंदर आपको लिखना है कि कहाँ से कितनी पोस्ट है, यह आपको ध्यान रखना है। या तो आप इनके अंदर देख सकते हो या फिर आप जितनी भी लिस्ट है उस लिस्ट के अंदर पूरी के अंदर आप देख सकते हो कि कहाँ से अपनी कैटेगरी की कितनी पोस्ट रहने वाली है साथियों। तो साथियों ये कुछ आज की इन्फॉर्मेशन थी। और एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि आपकी जो यहाँ पर अब है जो निःशुल्क क्लासेस चलने वाली है साथियों, क्योंकि कल मैंने ऑफर की घोषणा कर दी है, जो भी साथी हैं 899 के अंदर ये अपना बैच है, लेकिन ये ऑफर है 151 के अंदर, 25 तारीख तक का ऑफर है। अभी आपको 151 के अंदर ये है कोर्स दिया जा रहा है। फादर्स डे के ऊपर मैंने एक नई मुहिम है वो छेड़ी थी। अब यहाँ पर जिनके पिताजी किसी कारणवश इस दुनिया से चले गए, तो उनके लिए मैंने अलग से, क्योंकि साथियों आप सभी ने मेरे को इतना योग्य बना दिया, चैनल को इतना योग्य बना दिया, ये मान लीजिए आप कि मैं आप सभी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। मेरे ऐसे जो भाई बहन हैं जिनके एक भाई है ना, ये काम तो आ ही सकता है, क्योंकि उनके पिताजी हैं नहीं हैं, अगर उनके पिताजी चले भी गए ना तो उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक देखो मेरे से हो सकेगा ना, अब आगे से आगे मैं आप सभी को, अभी तो देखो मैंने इनके ऊपर जिनके पिताजी वगैरह नहीं हैं उनके ऊपर ऐसा ऑफर निकाला है, आगे आने वाले समय के अंदर अगर आप सभी अपने चैनल से इसी प्रकार से प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे, तो आपसे वादा करता हूँ मैं एक दिन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसी फैकल्टी आपको बहुत ही कम फीस के अंदर उपलब्ध करवा दूंगा जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। यह आपको ध्यान रखना है। तो आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर जो बात आती है निःशुल्क क्लासे की, निःशुल्क क्लासे, तो निःशुल्क आपकी क्लासे हैं YouTube के ऊपर ही चलने वाली हैं। कब से चलेगी कब से नहीं चलेगी, क्योंकि साथियों अभी इतना देखो मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन आप सभी के लिए मैंने देखो मैडम से बात करने की कोशिश की थी, एक दो मैडम से बात हुई थी, लेकिन देखो मेरे को ऐसा लगा कि वो मैडम है आप सभी को समझा नहीं पाएगी, क्योंकि जो कंटेंट वगैरह है PDF वगैरह है सारा मैटर मैं उपलब्ध करवाऊंगा उनको, लेकिन मैडम ऐसी होनी चाहिए जिनकी लैंग्वेज और जो भी वो पढ़ाए ना वो आपके समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। और जिनको भी PDF वगैरह चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिछले एग्जामों की दृष्टि से, पिछले एग्जामों के अंदर आए हुए हैं ना और इस इंटरव्यू से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वो आपको अपने ऐप के ऊपर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर ये व्हाट्सअप नंबर है स्क्रीन के ऊपर दे रखे हैं आप सभी को, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो, यहाँ पर आपको PDF है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। कुछ इसका चार्ज रहेगा, वो चार्ज आपको बता दिया जाएगा बहुत जल्द। तो साथियों ये आज की कुछ इन्फॉर्मेशन थी, शायद आपके समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखें। आज के सेशन के अंदर अपन यहीं तक रहते हैं, फिर अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आज के इतना ही। जय हिंद जय भारत।